वेलकम स्टूडेंट्स, आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस की आपकी अपनी पाठशाला में स्वागत है आपका। हम आज शुरू कर रहे हैं आपके 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस की बुक। जब आप आगे पिछले क्लासेस में सिविक्स पढ़ते आए हो या फिर 11th में जब आपने पॉलिटिकल साइंस पढ़ा था तो बिल्कुल ही अलग एस्पेक्ट्स थे, ठीक है ना। 10वीं तक जब आपने सिविक्स पढ़ा था, नागरिक शास्त्र पढ़ा था, तो उसमें पढ़ा था कि किस तरह से राजनीतिक संस्थाएं होती है, क्यों उनको बनाया जाता है, कैसे वो काम करती है। उसके बाद में जब आप 11th क्लास में आए तो आपने पढ़ा कि राजनीतिक सिद्धांत क्या होते हैं, हमारा संविधान कैसे बनाया गया, क्यों बनाया गया, ये सब चीजें पढ़ी। अब 12th क्लास में आप हमारे साथ कदम रखने जा रहे हो वैश्विक परिदृश्य में, क्योंकि ये जो आपकी बुक है इसका नाम भी है समकालीन विश्व, ठीक है ना। जो कंटेम्पररी वर्ल्ड है उसकी हम बात करते हैं। तो जो कंटेम्पररी वर्ल्ड की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है, जो शीत युद्ध हुआ उसके बाद से कंटेम्पररी वर्ल्ड की शुरुआत मानी जाती है। अब आप कहेंगे कि शीत युद्ध क्या है, तो यही है हमारा पहला चैप्टर, ठीक है ना। पहला चैप्टर का नाम ही है शीत युद्ध का युग या शीत युद्ध का दौर, यानी एरा ऑफ कोल्ड वॉर। युद्ध सुने हैं, लड़ाइयां सुनी है, झगड़े सुने हैं, सब सुना है, तो फिर ये शीत युद्ध क्या है, ठीक है ना। शीत युद्ध क्या होता है, देखो शीत यानी ठंडा और युद्ध तो आप समझते ही हैं। तो शीत युद्ध का मतलब ऐसा युद्ध कि युद्ध की पूरी पूरी परिस्थितियां बन रही थी लेकिन फिर भी वो युद्ध में काउंट नहीं किया गया, फिर भी ऐसा कोई युद्ध नहीं हुआ जिसमें जनहानि हो, लेकिन युद्ध की पूरी पूरी परिस्थितियां बन रही थी। और ये बहुत ही लंबा टाइम पीरियड था जिसकी वजह से इसने दुनिया पर बहुत प्रभाव डाला। अब शीत युद्ध क्यों हुआ, इसका जो बैकग्राउंड है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो बच्चों, ये जो चैप्टर है ये आपका बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर आप इसको स्टोरी की तरह सुनोगे और समझोगे तो आपको झटके में सब कुछ समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये चैप्टर है ही ऐसा, घटनाक्रम जो हुए हैं वो ऐसे हुए हैं कि जिसमें बहुत इंटरेस्ट आता है, खास करके जब हम वैश्विक परिदृश्य की बात कर रहे हो, जब हम वर्ल्ड लेवल पर देख रहे हो कि दुनिया में भी क्या राजनीति उस लेवल पर जाती है, क्या दुनिया के देश जो बड़े बड़े देश अपने आप को हर चीज में महान बताने की कोशिश करते हैं, वो छोटी छोटी बातों के लिए किस तरह से अपने आप को ढाल लेते हैं, तो ये सब चीजें जब आप देखते हैं। तो सबसे पहले चलो अपन बात करते हैं शीत युद्ध की पृष्ठभूमि की, बैकग्राउंड क्या रहा, क्यों शीत युद्ध शुरू हुआ। तो आप सबने मोटा मोटी तौर पर कुछ एक घटनाओं के बारे में सुना है कि दुनिया में दो वर्ल्ड वॉर हुए हैं अब तक, दो विश्व युद्ध हुए हैं। पहला विश्व युद्ध जो हुआ था वो 1914 में शुरू हुआ था और दूसरा विश्व युद्ध 1939 में शुरू हुआ था, ठीक है ना। तो ये जो विश्व युद्ध हुए इनको विश्व युद्ध क्यों कहते हैं, पहले तो यही डिस्कस करते हैं। विश्व युद्ध क्या होता है, जब दो देशों के बीच युद्ध हो रहा हो तो उसको युद्ध कहा जाता है, लेकिन वही कोई युद्ध दो देशों के बीच में सीमित ना रहे, विश्व की सारी बड़ी बड़ी शक्तियां जो है वो उस युद्ध में शामिल हो जाए, कोई इधर से लड़े कोई उधर से लड़े, तो अपार जनहानि होती है, अपार धनहानि होती है, और वो जो युद्ध है वो युद्ध की सीमा से बहुत ऊपर चला जाता है, इसलिए उसको विश्व युद्ध या वर्ल्ड वॉर कहा जाता है। तो जो पहला विश्व युद्ध हुआ वो 1914 टू 1918, 1914 से 1918 के बीच में हुआ। उसमें क्या हुआ, चलो एक छोटा सा स्टोरी लाइन बिल्डअप कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। यूरोप जो है, यूरोप महाद्वीप, वो उस समय दुनिया में केंद्र बना हुआ था। क्यों बना हुआ था, आप सबने पिछली क्लासेस में पढ़ा है कि जो रेनेसों हुई है, जो पुनर्जागरण हुआ, औद्योगिक क्रांति हुई, सब यूरोपीय देशों में हुआ। औद्योगिक क्रांति के बाद क्या हुआ कि यूरोपीय देशों को अपना माल दूसरे देशों में खपाना था, बना तो लिया उन्होंने मशीनों के द्वारा बहुत सारा माल, उसको दूसरे देशों में खपाना था और उन देशों को बाजार के रूप में भी इस्तेमाल करना था और वहां से कच्चा माल भी उठाना था। इस चक्कर में यूरोप के कई देशों ने दूसरे देशों को गुलाम बनाना शुरू कर दिया। हम समझते ही हैं इस चीज को, क्योंकि भारत भी इस चीज को, इस दंश को भोग चुका है। तो ब्रिटेन, पुर्तगाल, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ये सब जो देश थे इन्होंने दूसरे देशों को अपना गुलाम बनाना शुरू किया और उनको, उन गुलामों को उपनिवेश कहा गया। तो उपनिवेशिक युग की शुरुआत हुई। अब जब उपनिवेश बनाया गया तो होड़ मची देशों में, ठीक है ना। उसी परिदृश्य में क्या हुआ कि सर्बिया और पोलैंड के बीच में युद्ध हुआ, सर्बिया और पोलैंड के बीच में। और इस युद्ध में जबरदस्ती ही जर्मनी कूद पड़ा। जब जर्मनी इस युद्ध में कूदा तो युद्ध का थोड़ा परिदृश्य बड़ा हो गया और बाकी और भी कई देश इस वजह से आ गए कि क्यों जर्मनी किन्हीं दो देशों के बीच में कूद गए।
तो इस वजह से प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया, और प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था 1914 में, यानी 1914 में। 4 साल ये विश्व युद्ध चला 1918 तक, और बाद में 1919 को वर्साय की संधि के साथ ये खत्म हुआ। वर्साय की संधि जो थी वो जीते हुए देशों ने जर्मनी के साथ की थी, और इसमें जर्मनी पर ये संधि की नहीं गई थी, जर्मनी पर ये संधि थोप दी गई थी। ये जर्मनी के लिए बहुत ही अपमानजनक संधि थी। अपमानजनक क्यों थी? एक तो क्या किया गया, सबसे पहले युद्ध की पूरी ये जो विभीषिका थी उसका ठीकरा, युद्ध का जो भी होना था कि भाई ये युद्ध शुरू हुआ, विश्व युद्ध में बदला, ये पूरा ठीकरा जर्मनी के सर फोड़ दिया गया। जर्मनी को बोल दिया गया आप ही जिम्मेदार हो, पहली बात। दूसरी बात, जर्मनी के जितने भी जो उपनिवेश थे वो सब जीते हुए देशों ने अपने अपने बांट लिए। तीसरा, जर्मनी को बहुत सारा हर्जाना चुकाना पड़ा। तो जब युद्ध हो और उसके बाद में हारे हुए को या तो खत्म कर दिया जाए, ठीक है ना, और या फिर हारे हुए को हार जीत होने के बाद बस बात खत्म हो जाए, तब तक तो ठीक है। लेकिन अगर युद्ध में हारे हुए का अपमान किया जाता है तो वो उस अपमान की आग में जलता रहता है, और फिर कहीं ना कहीं वो ज्वाला वापस फूटती है। तो यही हुआ। मीनवाइल एक चीज और हुई इसी इन्हीं घटनाक्रम के बीच में, 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई। कहाँ हुई? 1917 की जो बोल्शेविक क्रांति हुई वो रूस में हुई। रूस को हम आज रूस के नाम से जानते हैं, उस समय उसको सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था। आज जिसको हम रूस के नाम से जानते हैं ना, वो एक 15 देशों का एक समूह था जिसको सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो 1917 में ये बोल्शेविक क्रांति हुई। है क्या ये बोल्शेविक क्रांति? हमने देखा कि उपनिवेश बनाए गए और देश जो है वो लाभ उठाने लगे, बहुत ज्यादा पैसा आया उनके पास। जब ये धन आया तो उससे हुआ क्या, ये जो औद्योगिक क्रांति हुई, बहुत ज्यादा लोग पूंजीपति बन गए, तो ये पूंजीपति मजदूरों पर थोड़ा अत्याचार करने लगे। मतलब थोड़ा क्या, बहुत ज्यादा अत्याचार हुआ। और ऐसे में रूस में सोवियत संघ में मजदूरों ने क्रांति की, और वहां पर जो राजशाही थी उसका तख्ता पलट कर दिया गया, और वहां पर सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व जिसको कहते हैं, यानी कि मजदूरों का शासन लगा दिया गया। यानी जो कुछ भी उत्पादन के साधन थे उस पर राज्य सरकार का कब्जा हो गया, ना कि किसी एक विशेष पूंजीपति का। तो इसको साधारण शब्दों में कहें तो इसको मार्क्सवाद भी कह सकते हैं, या इसको साम्यवाद भी कहा जाता है। जब देश में सभी उत्पादन के साधनों पर केवल और केवल सरकार का कब्जा रहे और मजदूरों का कब्जा रहे तो उसको साम्यवाद कहा जाता है, और जब उत्पादन के साधनों पर किसी विशेष गुट का कब्जा रहे, कुछ खास लोगों का कब्जा रहे, निजी हाथों में रहे, तो उसको पूंजीवाद कहा जाता है। यानी 1917 के बाद ये जो पूरा विश्व है ये दो अलग अलग विचारधाराओं में बट गया, एक को साम्यवाद कहा गया और दूसरे को पूंजीवाद की संज्ञा दी गई, ठीक है। तो ये थोड़ा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। प्रथम विश्व युद्ध हुआ और 1914 में शुरू हुआ, 1917 में रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई सोवियत संघ में, और साम्यवाद की स्थापना हुई, एक नई विचारधारा का उदय हुआ, और इससे दुनिया में दो विचारधाराएं आ गई, एक साम्यवाद एक पूंजीवाद, ठीक है। 1919 में युद्ध खत्म हुआ और वर्साय की संधि की गई, और वर्साय की संधि जर्मनी के साथ बहुत अपमानजनक तरीके से की गई, तो जर्मनी हमेशा से उस आग में जलता रहा। फिर क्या किया गया, 1920 में राष्ट्र संघ का गठन किया गया कि भाई युद्ध हुआ, आगे युद्ध ना हो, इसके लिए एक ऐसी वैश्विक संस्था बनाई जाए जहां बैठ के सारे देश बात कर सके कि भाई आगे युद्ध ना हो, बजाय युद्ध के बातचीत के द्वारा सॉल्यूशन निकाला जा सके, ठीक है। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, ये जो राष्ट्रसंघ बनाया गया ये चल नहीं पाया, ये सफल नहीं हो पाया अपने जो भी लक्ष्य थे उनमें। हुआ क्या, 1933 में जर्मनी में हिटलर का उदय हुआ। हिटलर का उदय मतलब, अब जर्मनी हमने देखा कि अपमान की आग में तो जल ही रहा है, क्यों? क्योंकि इतनी अपमानजनक संधि उसके साथ की गई है, उसके सारे उपनिवेश उससे छीन लिए गए हैं, उसके अंदर के भी कई भाग जो थे वो छीन के और जीते हुए देशों ने आपस में बांट लिए। तो ऐसे में जर्मनी में हिटलर जो है तानाशाह वो आया, कहने को वो तानाशाह था लेकिन एक तरह से वो जर्मन भावनाओं का उदय था। जो जर्मनी के जो लोग थे वो भी अपमान की आग में जल रहे थे, तो उन्होंने हिटलर को सपोर्ट किया, और हिटलर जिसने नाजीवाद का उदय किया था, ठीक है ना, तो हिटलर का उदय हुआ, यानी हिटलर वहां शासक बना।
अब हिटलर शासक बना तो उसने क्या किया, उसने और भी देशों पर कब्जा करना शुरू किया। तो जो द्वितीय विश्व युद्ध की घटनाएं थी वो हम आगे पढ़ेंगे। तो फिर क्या हुआ, फिर 1939 से लेकर 1945 तक दूसरा विश्व युद्ध हुआ। क्या हुआ इसकी घटनाएं भी हम पढ़ेंगे। तो ये जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ ये 6 साल चला और ये प्रथम विश्व युद्ध से कहीं ज्यादा संहारक था, कहीं ज्यादा लोग इस युद्ध में मारे गए। फिर 24 अक्टूबर 1945 को युद्ध की समाप्ति के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई और 1945 से यानी जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ तब से लेकर 1991 तक शीत युद्ध का काल माना जाता है। यानी ये आपको डेट्स अच्छे से याद करनी है कि 1945 से शीत युद्ध की शुरुआत मानी जाती है और 1991 तक ये शीत युद्ध चला। 1991 में क्या हुआ था, जो सोवियत संघ है उसका विघटन हो गया और शीत युद्ध का अंत हो गया। यानी कि जैसे ही सोवियत संघ विघटित हो गया और 15 देशों में बट गया उसके बाद में शीत युद्ध का अंत माना जाता है। तो ये एक मोटा मोटी परिचय है आपके लिए, बैकग्राउंड है कि किस प्रकार से हम इस चैप्टर में शीत युद्ध को पढ़ने वाले हैं। पहले प्रथम विश्व युद्ध हुआ, बोल्शेविक क्रांति हुई, वर्साय की संधि हुई, राष्ट्र संघ की स्थापना की गई, फिर द्वितीय विश्व युद्ध भी हो गया, उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई, लेकिन साथ ही साथ शीत युद्ध का काल शुरू हो गया जो 1991 तक चला और उसके बाद में सोवियत संघ के विघटन के साथ ही शीत युद्ध का अंत हो गया। ठीक है, यही हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट बात करते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के घटनाक्रम की। देखो जब अपन घटनाक्रम का नाम लेते हैं, घटनाक्रम का मतलब क्या क्या हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध में। द्वितीय विश्व युद्ध पढ़ना इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से शीत युद्ध के कारण निकल के आते हैं। ठीक है ना, दूसरा विश्व युद्ध जो था वो किस किस के बीच में लड़ा गया, ये पहली चीज है। वो लड़ा गया धुरी राष्ट्रों और मित्र राष्ट्रों के बीच में, जिनको एक्सेस कंट्रीज और फ्रेंड्स कंट्रीज कहा जाता है। तो धुरी राष्ट्र कौन कौन थे, जर्मनी, इटली और जापान। पहले एक बार इनकी थोड़ी बात कर लेते हैं। अभी हमने बात की कि जर्मनी में उस समय हिटलर का उदय हुआ था। हिटलर जो था उसने वहां पर शासन करना शुरू कर दिया था 1933 में। अब हिटलर ने अपने देखा कि वर्साय की संधि की वजह से जर्मनी तो अपमान की आग में जल ही रहा था। जर्मनी देखो यहाँ यूरोप में एक छोटी सी कंट्री है, यहाँ कहीं, ठीक है, तो जर्मनी तो अपमान की आग में जल ही रहा था। उसे साथ किसका मिला, जर्मनी के पास ही एक और देश है इटली। इटली में उस समय एक और तानाशाह था, नाम था मुसोलिनी। जर्मनी में हिटलर, इटली में मुसोलिनी, ठीक है। अब जर्मनी ने क्या किया, जर्मनी ने अपने आसपास के जो देश थे उनमें हमला करना शुरू किया। ठीक है ना, जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया और आसपास के कुछ एक जगहों पर हमला करना शुरू किया ताकि क्या है, साम्राज्यवाद की नीति अपनाई जा सके। हमने देखा था कि उपनिवेश बनाए थे तो वो साम्राज्यवादी थी, जर्मनी भी अब वापस उपनिवेश बनाने लगा था। इटली ने क्या किया, इटली यूरोप की तरफ नहीं बढ़ के अफ्रीका की तरफ बढ़ा और अफ्रीका में एक देश है इथियोपिया, वहां पर उसने हमला किया। साथ ही साथ एक नहर है जिसको स्वेज नहर कहा जाता है, वहां पर भी उन्होंने हमला किया। यानी कि ये अपनी शक्ति बढ़ाने में लगे हुए थे, कौन, एक तरफ हिटलर और एक तरफ मुसोलिनी। अब जब इस तरह की कोई भावनाएं निकल के आती है, इस तरह की कोई स्थितियां बनती है तो वो आपस में दोस्त बन ही जाते हैं कि एक जैसी स्थिति है भाई। इटली भी एक बहुत ही उस समय का भी हरा हुआ देश था और बहुत ही छोटा देश जिसने वापस आगे बढ़ना शुरू किया। जर्मनी की स्थिति भी कमोबेश वैसी ही थी। तीसरा एक और देश निकल के आया, जापान। ये जापान यहां है। जापान ने क्या किया, जापान ने यहां चीन का एक मंचूरिया नामक क्षेत्र है वहां पर कब्जा करना शुरू किया। अच्छा, हिटलर जर्मनी में था वो तानाशाह था, इटली में मुसोलिनी था वो भी तानाशाह था, और जापान में उस समय फौजी शासन लागू हुआ था, मतलब कि वहां पर जो है फौज का शासन था, लोकतंत्र नहीं था। ठीक है ना, तो जापान में भी कमोबेश देखा जाए तो एक तरह से डिक्टेटरशिप ही थी। तो इस तरह से हिटलर, जर्मनी, इटली और जापान, ये तीनों धुरी बन गए थे। किसकी, साम्राज्यवाद की। इसीलिए इनको एक्सेस कंट्रीज या धुरी राष्ट्र कहा जाता है। ये इस विश्व युद्ध की धुरी बनाने लगे। तो एक यहाँ जर्मनी, इटली और ये जापान, ये तीनों देश अपने अपने जो है विस्तारवाद की नीति में लग गए।
अब जब ये विस्तारवाद की नीति में लगे तो क्या हुआ, यूरोप से दो देश और हैं, एक ब्रिटेन और एक फ्रांस। इन्होंने चाहा, फ्रांस ने ये चाहा कि इटली को रोका जाए और ब्रिटेन ने चाहा कि जर्मनी को रोका जाए। और ऊपर इस तरफ से यहाँ यूएसएसआर यानी सोवियत संघ, ये भी तीनों तरफ से प्रभावित हो रहा था, तो ये भी चाहता था कि इनको रोका जाए, ठीक है। और अमेरिका जो है, अमेरिका तो वैसे ही ब्रिटेन और फ्रांस का दोस्त था, हालांकि शुरू में अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में नहीं कूदा, लेकिन बाद में अपनी शक्ति दिखाने के लिए, क्योंकि अमेरिका एक बड़ा देश है जो कि विश्व में काफी धाक रखता है, तो जरूरी है कि अगर वैश्विक कोई घटनाएं हो तो वो उनमें आए ही एक बार। तो इस प्रकार से ये धीरे 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 जो है विश्व युद्ध की स्थिति बनने लगी थी, हालांकि युद्ध हुआ नहीं था। लेकिन 1 सितंबर 1939 को जैसे ही हिटलर ने पोलैंड पर हमला किया, वैसे ही विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। हालांकि पहले अमेरिका इस युद्ध में नहीं कूदा था, पहले इस युद्ध में शामिल होने वाले थे इस तरफ से तो ये तीन कंट्रीज थे, जर्मनी, इटली और जापान, और इधर से थे ब्रिटेन, फ्रांस और यूएसएसआर। यूएसएसआर जिसको अपन सोवियत संघ भी कहते हैं, इन तीन देशों ने शुरुआत की, ठीक है। फिर हुआ क्या, फिर हुआ ये कि इधर से जर्मनी और फ्रांस ने ब्रिटेन और फ्रांस ने इटली पर हमला किया और जर्मनी ने यूएसएसआर पर हमला किया, और ऐसे में यूएसएसआर ने चाहा कि ब्रिटेन और फ्रांस जर्मनी को पीछे से घेरे, लेकिन उन्होंने इस रणनीति में उसका साथ नहीं दिया। और बाद में क्या हुआ, अमेरिका ने जापान में परमाणु बम विस्फोट कर दिए। तो ये कुछ ऐसी घटनाएं बनती चली गई द्वितीय विश्व युद्ध में कि बाद में हथियारों की होड़ भी शुरू हुई। तो ये फिर जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ तो उसके बाद में जर्मनी, इटली और जापान को बहुत नुकसान हुआ। सबसे पहले इटली ने सरेंडर किया था, सेकेंड नंबर जर्मनी ने सरेंडर किया, और लास्ट में जापान में सरेंडर करने ही वाला था, लेकिन उसके सरेंडर करने से जस्ट पहले अमेरिका ने वहां पर परमाणु विस्फोट कर दिया। तो इस प्रकार से ये जो द्वितीय विश्व युद्ध की घटनाएं बनी, ये ही आगे जाकर शीत युद्ध का कारण बनी, ठीक है। तो अब आइए बात करते हैं कि शीत युद्ध का अर्थ क्या है। आपने लगभग तो अब समझ में आ ही गया होगा कि शीत युद्ध क्यों शुरू हुआ, इसकी पृष्ठभूमि कैसे बनी। एक प्रॉपर जो मीनिंग आप लिख सकते हो वो अब हम वर्ड्स में आपको देते हैं। एक तो शीत युद्ध का अर्थ क्या है और क्या कारण रहे कि ये होड़, ये युद्ध शुरू हुआ। सबसे पहले एक बार आप कॉन्सेंट्रेट कीजिए, जो मैप आपके सामने है ये वर्ल्ड मैप है। इस वर्ल्ड मैप में आपको तीन तरह के रंग दिखेंगे, ठीक है। एक पहला ये जो पीला रंग है, ये पीला रंग पूंजीवाद का रंग माना जाता है। पूंजीवाद, अभी हमने बात की थी, साम्यवाद और पूंजीवाद, दो तरह के जो है विचारधाराएं निकल के आई। तो यहां जहां भी विश्व में ये पीला रंग है वहां ये मान लीजिए कि पूंजीवाद का विस्तार था, यानी कि जिस नीति का समर्थन अमेरिका कर रहा था उस नीति का विस्तार इस सारे, जहां भी पीला रंग है, चाहे आप अमेरिका देखिए, पूर्वी यूरोप देख लीजिए सारा, जो पश्चिमी यूरोप है वो, और ऑस्ट्रेलिया भी, और जहां लाल रंग है वहां साम्यवाद का विस्तार था। साम्यवाद यानी वो विचारधारा जिसको सोवियत संघ ने मान्यता दी थी। और जहां भी हरा रंग है वो गुटनिरपेक्ष जो आंदोलन हुआ था उसका सबूत देते हैं। गुटनिरपेक्ष आंदोलन क्या था ये भी आपके इस चैप्टर में है बाद में, लेकिन अगर अभी आपको बताएंगे तो आप थोड़े कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि अभी हम बात सिर्फ पूंजीवाद और साम्यवाद की कर रहे हैं। तो ये सारे जो हरे हैं वो गुटनिरपेक्ष देश होते हैं, ठीक है। तो पूंजीवाद और साम्यवाद, अब आप देखिएगे विश्व जो है लगभग आधे आधे हिस्सों में बट गया है। आधे आधे मतलब आधे पूंजीवाद का समर्थन कर रहे हैं, आधे साम्यवाद का समर्थन कर रहे हैं। दुनिया जो है कुछ ऐसी दिखाई देने लगी थी कि लगभग 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 आधी आधी दुनिया अलग अलग हो गई और उनमें टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, यानी कहने का मतलब तीसरा विश्व युद्ध वापस शुरू होने को था, ठीक है। तो अब सबसे पहले देखते हैं कि शीत युद्ध का अर्थ क्या होता है। तो इसी से समझ सकते हो कि आप ना युद्ध और ना शांति की स्थिति, युद्ध भी नहीं हुआ तो शांति भी नहीं रही, हमेशा एक अंदेशा बना रहा कि अब युद्ध होगा, अब टकराव होगा, कहीं ये युद्ध फिर से ना शुरू हो जाए। तो बहुत मुश्किल हालात थे उस समय, क्योंकि युद्ध की स्थिति तो नहीं थी लेकिन शांति भी नहीं थी।
दूसरा अर्थ हम उसको कह सकते हैं कि अपने आप को ऊंचा और शक्तिशाली दिखाने की होड़। होड़ क्यों लगी? होड़ इसलिए लगी क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध जब खत्म हुआ तब दुनिया में दो महाशक्तियां बची, एक तरफ सोवियत संघ और एक तरफ अमेरिका। एक म्यान में दो तलवार रह नहीं सकती, राजा भी दो हो नहीं सकते ना कहीं। तो वही है कि पूरे विश्व में अपना वर्चस्व कायम करने की बात। और दूसरा, अगर वही दो लोग अलग अलग मतों के हो, ठीक है ना, दो लोग हैं और दोनों अलग अलग मतों के हो, अलग अलग विचारधारा के हो, तो उनमें टकराव निश्चित ही। तो वही जो टकराव के साथ साथ जो होड़ उत्पन्न हुई वो वहीं से हुई। फिर अपनी अर्थव्यवस्था और विचारधारा को सर्वश्रेष्ठ बताने की कवायद थी। अब ये देख रहे हैं कि पूंजीवाद एक तरफ साम्यवाद, विचारधारा भी अलग अर्थव्यवस्था भी अलग। अब हम सही वाली स्थिति हो गई कि मैं भी सही लेकिन तू गलत, दूसरा कह रहा है मैं सही तू गलत। तो ऐसे में ये जो होड़ हुई इसकी जड़ में यही थी कि एक तरफ पूंजीवाद था और एक तरफ साम्यवाद था। अधिकाधिक देशों को अपने गुट में मिलाने की प्रतिस्पर्धा, ये भी था कि ज्यादा से ज्यादा देश मेरे साथ आए, ज्यादा से ज्यादा देश मेरे साथ आए ताकि वो शक्तिशाली बन सके। तो ऐसी प्रतिस्पर्धा जो थी वो शीत युद्ध कहलाई। और साथ ही साथ हथियारों का शक्ति प्रदर्शन, काम में नहीं लिए गए हथियार, शीत युद्ध में कभी भी हथियार काम में नहीं लिए गए, लेकिन उनका प्रदर्शन जरूर किया गया ताकि क्या होता है कि भाई सामने वाले को लगे कि हाँ मैं ज्यादा शक्तिशाली हूँ। तो देखा है दो पड़ोसियों को आसपास के सामने, उसके घर में ये आया है तो मेरे घर में भी आना चाहिए, अरे उसने थोड़ा आगे का वर्जन लिया है तो मेरे को भी लाना है, ठीक है ना। तो ठीक ऐसी कुछ स्थिति पूरे वैश्विक परिदृश्य में बन गई। अब सोचो सोचने में एक बार कितना मजेदार लग रहा है कि ये ऐसा हुआ होगा, लेकिन उस वास्तविक स्थिति में वो कितना भयावह था जब पूरी दुनिया पर युद्ध के बादल छाए हुए थे। तो ये तो है शीत युद्ध का अर्थ। अब शीत युद्ध के कारण क्या रहे, क्यों ये युद्ध शुरू हुआ? जब हमने देखा कि मित्र राष्ट्र तो जीत गए थे, जब नाम ही उन्होंने दे रखा है उसको मित्र राष्ट्र, तो क्यों ये झगड़ा हुआ, क्यों इन मित्रों के बीच में लड़ाई हुई, इसके रीजंस क्या रहे, उसके रीजंस देखते हैं। सबसे पहला, अपने आप को वैश्विक महाशक्ति के रूप में प्रतिष्ठित करना। अब जैसा मैंने कहा कि जब दो जीते हैं तो दोनों अपने आप को यही कहेंगे कि मेरी वजह से जीते, मेरी वजह से जीते। तो ये जो होड़ है ना वहीं से शुरू हुई इस जीत के साथ ही। दूसरा, अर्थव्यवस्थाओं और विचारधाराओं में भिन्नता, दूसरा इसका कारण यही था। एक तरफ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी, दूसरी तरफ साम्यवादी थी, एक तरफ कैपिटलिज्म था और दूसरी तरफ मार्क्सिज्म था। तो ऐसे में जो है इन भिन्नताओं और इन विचार वैचारिक मतभेदों में कहीं ना कहीं टकराव होना सुनिश्चित हो गया था। फिर है जर्मनी के सोवियत संघ पर हमले के समय ब्रिटेन और फ्रांस का रणनीति में साथ ना देना, ये एक बड़ा कारण रहा। अभी जैसे हमने देखा कि जब जर्मनी ने सोवियत संघ पर आक्रमण किया तो सोवियत संघ ने ब्रिटेन और फ्रांस को ये कहा कि आप पीछे से जर्मनी को घेरो ताकि हम जर्मनी को घेर कर उसी समय हारने के लिए मजबूर कर दें। लेकिन ब्रिटेन और फ्रांस ने बजाय यूएसएसआर का साथ देने के इधर से इटली पर हमला करना ज्यादा उचित समझा। तो ये भी एक कारण रहा कि उस समय सोवियत संघ अकेला पड़ गया था और अमेरिका ने भी उस समय ब्रिटेन और फ्रांस का ही साथ दिया था। एक बड़ा कारण रहा जापान पर अमेरिका का परमाणु हमला और इसकी जानकारी सोवियत संघ को ना होना, ये सबसे बड़ा कारण रहा। 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945, ये दो जो है जापान पर अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमले किए थे। जो 6 अगस्त को बम डाला गया उसका नाम था लिटिल बॉय और जो 9 अगस्त को बम डाला गया था उसका नाम था फैट मैन। तो ये जो बम अमेरिका ने वहां पर डाले इसकी खबर पहले से ब्रिटेन और फ्रांस को थी लेकिन सोवियत संघ को इसकी जानकारी भी नहीं दी गई। अब देखो जब साथ में मिलकर लड़ रहे हैं, एक टीम है, समझिए कि दो टीम है जो खेल रही है आमने सामने। अब टीम में एक प्लेयर जो है उसको अलग थलग कर दिया जाए, बाकी प्लेयर मिलकर रणनीति बनाए, तो जो अलग थलग होएगा उसको गुस्सा ही आएगा कि भाई तुमने मेरे को पहले नहीं बताया कि स्ट्रेटेजी क्या बनाई थी, ठीक है ना। तो यही गुस्सा वजह बना। फिर दूसरा, अगर आपने देखा कि इस तरफ जो थे वो जर्मनी और इटली थे लेकिन जापान इस तरफ है, तो यूएसएसआर जो है वो जापान से जापान को लगभग हराने ही वाला था और जापान में भी कम्युनिस्ट सरकार थी, तो एक तरह से जापान और यूएसएसआर के साथ थोड़ा
बेहतरीन संबंध थे। ऐसे में अमेरिका ने बीच में जाकर और जापान पर परमाणु हमला किया। ना तो इसकी कोई सूचना सोवियत संघ को दी गई, ना सोवियत संघ को ये बताया गया कि अमेरिका ने परमाणु हथियार इकट्ठे कर लिए हैं। तो ऐसे में सोवियत संघ का नाराज होना और फिर उसका युद्ध की स्थिति में जाना, बिल्कुल ही स्थितियां ऐसी बनती ही चली गई। और उसके बाद अमेरिका द्वारा हजारों किलो परमाणु हथियार एकत्रित कर लिए गए। ये भी एक बड़ा कारण बना कि जब सोवियत संघ को ऐसा लगा कि अमेरिका ने इतने सारे हथियार इकट्ठे कर लिए हैं तो ऐसे में मैं तो कमजोर पड़ जाऊंगा, तो ये जो मैं कमजोर पड़ जाऊंगा और ये मेरे से आगे निकल जाएगा, ये जो स्थिति बनी इसने शीत युद्ध को जन्म दिया। ठीक है ना, तो ये है हमारे शीत युद्ध का ओवरऑल बैकग्राउंड कि क्यों शुरू हुआ, इसका मीनिंग क्या है और इसके रीजन क्या रहे और इसके बैकग्राउंड में ऐसी कौन सी घटनाएं हुई जिसकी वजह से शीत युद्ध शुरू हुआ। मूल रूप से कहें तो शीत युद्ध दो देशों की लड़ाई नहीं थी, शीत युद्ध दो विचारधाराओं और दो अर्थव्यवस्थाओं की लड़ाई थी। ठीक है ना, तो आप ये जो नोट्स अभी बनाए गए हैं इनको आप बिल्कुल अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि ये नोट्स उतने ही लिखे गए हैं जो आपको पढ़ने हैं, जो आपको अच्छे से याद करने हैं। बाकी चीज तो आपको स्टोरी लाइन बिल्डअप करनी है। ठीक है ना, तो अब इससे आगे एक स्टेप और देखते हैं कि किस प्रकार ये जो शीत युद्ध हुआ इसमें किस प्रकार से आगे की कुछ और घटनाएं हुई, जिनमें सबसे बड़ी घटना थी क्यूबा का मिसाइल संकट, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। ये घटना जिस समय घटी उस समय एक बार की ऐसा लगा कि दुनिया में अब तीसरा विश्व युद्ध होगा। देखो ये घटना बहुत लेट घटी, ये घटना घटी थी 1961 में, ये घटना 1961 में हुई थी। क्यूबा का जो मिसाइल संकट था वो 1961 की घटना मानी जाती है। अब ऐसा क्या हुआ और जो 1945 से लेकर जो शीत युद्ध शुरू हुआ उसके बाद में होड़ चलती रही, पहले अमेरिका ने परमाणु हथियार बनाए तो रूस ने भी, तो सोवियत संघ ने भी परमाणु हथियार बनाए, फिर अमेरिका ने हाइड्रोजन बम बनाए तो सोवियत संघ ने भी हाइड्रोजन बम बनाए, फिर अमेरिका ने अंतरिक्ष में नासा द्वारा जो है कई सारे अंतरिक्षयान भेजे और इस तरह के काम किए तो रूस ने भी वही किए। अमेरिका ने कई देशों के साथ जो है संधियां की, जिनको हम नासा नाटो कहते हैं, नाटो जो सैनिक संधियां की नाटो के माध्यम से, तो रूस ने भी वारसा पैक्ट के माध्यम से कई सारी सैनिक संधियां की। तो ये जो सब है होड़ तक ही सीमित रहा। लेकिन हुआ ये कि 1959 में, ये घटनाक्रम बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ा आप ध्यान से सुनेंगे कि 1959 में क्या हुआ। एक छोटा सा देश है जो अमेरिका के पास है, ये जो आपको दिख रहा है ना ये क्यूबा है, इसका नाम है क्यूबा। इस देश में 1959 तक बैटिस्टा नामक एक डिक्टेटर जो है वो शासन कर रहा था, तानाशाह था बैटिस्टा था उसका नाम, और बैटिस्टा को अमेरिकन सपोर्ट प्राप्त था, अमेरिकी सरकार जो थी वो बैटिस्टा को अच्छे से सपोर्ट कर रही थी। लेकिन वो बहुत ही ऐसा शासक था जिसने जनता पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और जनता जो है वो बहुत नाराज हो गई। और 1959 में क्या हुआ कि फिदेल कास्त्रो ने बैटिस्टा का तख्ता पलट कर दिया और खुद शासक बन गया। फिदेल कास्त्रो जो था वो बिल्कुल पूंजीवाद के खिलाफ था और साम्यवादी व्यक्ति था, मतलब वो जो कहते हैं ना कि विचारधारा, उसकी विचारधारा साम्यवाद से मेल खाती थी। तो ऐसे में क्यूबा में पूंजीवाद अर्थव्यवस्था को हटाकर वहां साम्यवाद लाया गया। तो जब फिदेल कास्त्रो वहां शासक बना तो उस समय अमेरिका को खतरा महसूस हुआ। क्यों? क्योंकि अमेरिका के बिल्कुल पास में है क्यूबा, तो अमेरिका को ऐसा लगा कि मेरे ही पास के देश अगर साम्यवाद की तरफ चले जाएंगे तो मेरी साख घट जाएगी, साख जो है वो उसको बट्टा लग जाएगा। और रूस को खुशी हुई, यूएसएसआर को खुशी हुई। क्यों? क्योंकि आगे से आगे देश साम्यवादी विचारधारा को अपनाते जा रहे थे। तो ऐसे में ये एक तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। उससे भी ज्यादा तनाव कहाँ हुआ, जब रूस ने यहाँ क्यूबा में जो है वो परमाणु हथियारों की तैनाती कर दी। अब यहाँ परमाणु हथियारों की तैनाती का मतलब क्या होता है, जैसे आप इस मैप में देख पा रहे हो, यहाँ परमाणु हथियार तैनात करने का मतलब है पूरा अमेरिका इन हथियारों की रेंज में आ गया,
पूरे अमेरिका पर सोवियत संघ द्वारा कभी भी परमाणु हमला किया जा सकता था। अगर हम वर्ल्ड मैप देखें तो देख पाएंगे कि अमेरिका और सोवियत संघ काफी दूर दूर है, लेकिन अगर क्यूबा सोवियत संघ का अड्डा बन जाता है तो इसका मतलब पूरा अमेरिका सोवियत संघ के हमले की रेंज में, उसके जो है रडार में आ जाएगा। तो ये अमेरिका के लिए बड़ा खतरा उत्पन्न हो गया। तो ये घटनाक्रम कुछ ऐसा चला कि 1959 में फिदेल कास्त्रो ने बेटिस्टा को हटाकर क्यूबा की सत्ता हथिया ली और क्यूबा पर अमेरिकी हमले का खतरा मंडराने लगा। चूंकि यहाँ फिदेल कास्त्रो है जो कि साम्यवादी है, कम्युनिस्ट है, तो अमेरिका यही चाहेगा कि इस पर हमला करे और फिर वहां से अपनी अपने जो विचारधारा है वहां के किसी व्यक्ति को सत्ता दे वहां पे। सोवियत संघ ने क्या किया, क्यूबा में परमाणु हथियारों की तैनाती कर दी। और दूसरा, क्यूबा की भौगोलिक स्थिति ऐसी थी, जैसा हमने देखा कि यहाँ की रेंज में अमेरिका पूरा आ रहा है, ठीक है ना, तो क्यूबा की भौगोलिक स्थिति ऐसी थी और सभी अमेरिकी इलाके परमाणु हमले की पहुंच में आ गए थे अब तो। और साथ ही साथ सोवियत संघ क्यूबा को कूटनीतिक और आर्थिक सहायता भी दे रहा था। तो ऐसे में ये होड़ जो है वो इतनी बड़ी, उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे जॉन एफ कैनेडी और यूएसएसआर के जो राष्ट्रपति थे वो थे निकिता ख्रुश्चेव। निकिता ख्रुश्चेव ने क्या किया, अपने जहाजी बेड़े क्यूबा पर भेजने शुरू किए ताकि अगर अमेरिका उस पर हमला करे तो वैसे ही उसी समय अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। अमेरिका को ऐसा लगा कि अगर रूस के यूएसएसआर के जहाजी बेड़े अगर क्यूबा पर पहुंच गए तो वो अमेरिका की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकते। तो अगर आपने कहीं नाम भी सुना होगा कि अमेरिका का जंगी बेड़ा, जिसको जहाजी बेड़ा भी कहते हैं, वो दुनिया का सबसे बड़ा है। अमेरिका की जो नेवल फोर्स है वो बहुत बड़ी है। तो अमेरिका ने क्या किया, अपनी नेवल फोर्स को तैनात शुरू किया और क्यूबा को चारों तरफ से घेर लिया। मतलब रूस का, यूएसएसआर का क्यूबा में आने के लगभग सारे रास्ते बंद कर दिए और वहां से सोवियत संघ से जो भी जहाज आ रहे थे उनको या तो वापस भेज दिया गया और या फिर उनको जो है उड़ाने की कोशिश की गई। तो यानी एक 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 करके इस तरह इस पूरे रास्ते को इस तरह से ब्लॉक किया गया कि किसी भी प्रकार से सोवियत संघ क्यूबा तक नहीं पहुंच सके और पूरी दुनिया पर तीसरे विश्व युद्ध का खतरा मंडराने लगा। ये भी कहा जा सकता है कि ये शीत युद्ध का चरम था, चरम जिसको अपन कहते हैं कि पीक पॉइंट है कि अब तो बस शीत युद्ध खत्म और वास्तविक युद्ध शुरू हो जाएगा। लेकिन जो हमने देखा कि यूएसएसआर के राष्ट्रपति थे ख्रुश्चेव और कैनेडी थे अमेरिका के राष्ट्रपति, वो दोनों ही नहीं चाहते थे कि युद्ध हो। अब ऐसा नहीं है कि इसके पास ताकत नहीं है या सोवियत संघ के पास ताकत नहीं है। देखो, जब ज्यादा ताकतवर हो ना तो भिड़ना भी जो है काफी मुश्किल हो जाता है कई बार। जब आप देखिए कि अमेरिका के पास भी परमाणु हथियार हाइड्रोजन बम और यूएसएसआर के पास भी परमाणु हथियार हाइड्रोजन बम, अगर वो भिड़ेंगे तो क्या होगा, दुनिया तबाह हो जाएगी। ऐसा तो नहीं कर सकते थे वो। भाई, महाशक्ति बनने के लिए पहले बनना तो पड़ता है, पहले रहना तो पड़ता है। अगर कोई बचेगा ही नहीं तो महाशक्ति कैसे बनेगा। तो ऐसे में उन्होंने समझदारी दिखाई, वार्ता की और परिणाम ये निकला कि रूस के जितने भी बेड़े यहां से आ रहे थे वो वापस लौट गए और अमेरिका ने भी क्यूबा को जो है वो बिल्कुल आश्वासन दिया कि अमेरिका उस पर हमला नहीं करेगा और इस प्रकार आराम से शांतिपूर्ण तरीके से इस मसले को सुलझाया गया। जिससे क्या हुआ, जिससे जो तीसरे विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा था पूरी दुनिया पर वो हट गया एक बार के लिए। हालांकि शीत युद्ध अभी थमा नहीं है, ये पीक पॉइंट है शीत युद्ध का, हालांकि इसके बाद कम होना शुरू हो गया था। तो ये है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, जिस पर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, पूरा घटनाक्रम है इसका, तो आप पॉइंट वाइज याद भी कर सकते हो और लिखना भी है आपको, क्वेश्चन भी बहुत शानदार तरीके से बनता है इसका। तो ये है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, जिसकी वजह से दुनिया पर तीसरे विश्व युद्ध का खतरा मंडराया था। तो आज के चैप्टर में हमने ये पढ़ा कि किस प्रकार से शीत युद्ध शुरू हुआ और इसका पीक पॉइंट कैसे आया, ठीक है ना। तो आपको ये सब चीजें एकदम कहानी की तरह स्टोरी लाइन बिल्डअप करते करते पढ़ना है ताकि याद में अच्छे से रहे। बस कुछ एक नाम और कुछ एक सन याद करने हैं जिससे आपकी स्टोरी को बिल्कुल अच्छे से शार्पनेस मिल जाए। तो
तो आज के वीडियो में बस इतना ही, आगे के घटनाक्रम लेकर अगले वीडियो में आएंगे हम। तब तक आप जरूर देखिए, जो भी आपने मिस किया है उसको लाइन टू लाइन देखते रहना, ताकि कुछ भी ऐसा घटनाक्रम छूटे नहीं। क्योंकि देखिए, जब इन घटनाओं में से एक भी घटना बीच में से स्किप हो जाती है ना, तो बाकी सारी गड़बड़ा जाती है। तो आप जरूर से इन घटनाक्रम को साथ साथ देखते रहना, ताकि आपको समझ में भी आए। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए। अगर कोई क्वेश्चंस है आपके मन में इनसे रिलेटेड, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हम कोशिश करेंगे कि आपके सवालों का जवाब दे सके। थैंक यू।